हेलो डियर सोल फैमिली, आप सभी का बहुत सारा वेलकम है स्काई विंग्स 222 चैनल के ऊपर। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट अपने अपने सोल पर्पस को पूरा कर रहे हैं। और आ गया है बहुत ही सुहाना सा सावन का महीना, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी प्यारी सी सोल फैमिली इस महीने को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्जॉय कर रही होगी। गाइस, साल में एक बार कोई भी मंथ एक ही बार आता है, बट जो सावन का महीना है ना, बहुत पावन होता है। मतलब कहते हैं ना कि शिव जी हमारे घर आ गए होते हैं, तो आप उस टाइम पे कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो ज़रूर से मैनिफेस्ट होता है और ज़रूर से आपको मिलता है। बस आपकी श्रद्धा और भक्ति एकदम सच्ची होनी चाहिए, फिर तो एक लोटे जल से भी शिव जी इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आप जो मांगो, मतलब मुंह मांगी वरदान आपकी पूरी होती है। तो आज मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही मिरेकुलस, बहुत ही मैजिकल, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सिंपल, मतलब इतना इजी है करने में। तो आज मैं 5 तरह के उपाय लेके आ गई हूँ जो आपको सावन के महीने में ही करना होता है। तो जो सबसे पहला उपाय है वो उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही है। मतलब आपकी शादी सेट भी हो जाती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आपकी शादी टूट जाती है। मतलब जिसकी मिला जुला के जिसकी शादी नहीं हो रही है, उम्र बिता जा रहा है, तो उसके लिए ये उपाय एकदम मैजिकल काम करेगा। दूसरे वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी शादी तो हुई है लेकिन उनकी जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी नहीं है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। चाहे उनके बीच क्लेश हो रहा हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, बस आप ये उपाय कर लेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो उपाय क्या करना है, आपको ले लेना है एक लोटा जल और उसमें डाल लेना है चुटकी भर केसर और इसको जाके शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। शिवलिंग पे जब ये जल आप चढ़ाएंगे उस टाइम अपना विश बोलेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे। जैसे कि आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो आप बोलेंगे कि हे शिव जी, हे भोले बाबा, मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। इसी मनोकामना को अपने दिल में रखते हुए आपको मैं ये जल अर्पित कर रही हूँ। या फिर आप जैसे बोलना चाहते हैं, बस अपनी इच्छा बोल दीजिए और जल चढ़ा दीजिए, चढ़ा के घर आ जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको एक दिन नहीं चढ़ाना है, या तो आपको पूरे मंथ चढ़ाना है। जिस दिन से आप शुरू कर रहे हो उस दिन से या तो पूरा महीना चढ़ाइए, या फिर अगर एक दिन चढ़ाना चाहते हैं सप्ताह में तो वो सोमवार के दिन आप चढ़ाएंगे। लेकिन सिर्फ एक दिन चढ़ा के नहीं छोड़ना है, सावन में हर सोमवार को चढ़ाएंगे। इसीलिए सावन का पहला सोमवार अभी नहीं आया है, मैं पहले ही ये वीडियो डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो उपाय है वो किसके लिए है। तो वो उन लोगों के लिए है जिनके घर की आर्थिक स्थिति एकदम ख़राब है, फैमिली की कंडीशन एकदम बिगड़ी हुई है, मतलब पैसों की किल्लत है घर में, तो वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, घर में मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए आपको करना है ये उपाय। तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है केसर। आपको जल के अंदर केसर नहीं डालना है, आपको सिर्फ केसर ले लेना है और अपने हाथों से, जैसे हम पुष्प अर्पित करते हैं शिव जी को, वैसे ही आपको केसर अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और आपको भी अपनी इच्छा बोलनी है शिव जी से कि हे शिव जी, हे भोले बाबा, हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बढ़िया हो जाए, यही दुआ है, यही कामना करती हूँ या करता हूँ। और इसी उम्मीद से मैं ये केसर आपको अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि इसके बाद हमारे घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, इसीलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ या आई हूँ। और आपको भी या तो पूरा मंथ करना है या फिर हर सोमवार को करना है। गाइस, तीसरा जो उपाय है ये उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, किसी की बात नहीं मानते, बुरी आदतें हैं उनके अंदर, गलत संगति में पड़ गए हैं, मिला जुला के एक बिगड़े हुए इंसान के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। और आजकल बिगड़े हुए इंसानों की कोई कमी नहीं है, तो अगर आपके फैमिली मेंबर में भी कोई ऐसा है तो आप उसके लिए, और आप उससे परेशान हैं तो आप उसके लिए ये काम कर सकते हैं, यानी ये उपाय कर सकते हैं। अब उपाय को करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको बाज़ार से लाना पड़ेगा, तो वो है इत्र। अब इत्र आप कोई सा भी नहीं चढ़ा देंगे, जैसे बॉडी स्प्रे या स्प्रे नहीं चढ़ा देंगे,
इत्र जो भगवान के लिए ही आता है वो इत्र चढ़ानी है आपको। अगर शंकर जी को चढ़ाना है तो उनका फेवरेट, जैसे हमारा फेवरेट परफ्यूम होता है वैसे ही भगवान जी लोगों का भी होता है। तो शिव जी का फेवरेट है चंदन का इत्र, अगर पॉसिबल हो तो आप चंदन का इत्र मंगा लें। ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है, मतलब 100% ये वर्क करता है। तो आप चंदन का इत्र मंगा लेंगे और उसकी कुछ बूंदें, जब भी आप पूजा करने जा रहे हैं तो डेली उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पे चढ़ाएंगे और अपनी जो मनोकामना है वो बोलते हुए कि हमारा जो फैमिली मेम्बर ये पर्सन है वो एकदम सही हो गया है या फिर सही हो जाए, तो ऐसा कुछ बोलते हुए आप शिवलिंग पे इत्र अर्पित करेंगे। रोज़ जाना है आपको या फिर सोमवार के सोमवार जाना है। चौथा जो उपाय है ये उन लोगों के लिए है जो कुछ भी करने जाते हैं ना, कुछ भी, मतलब चाहे वो घर बनाने जा रहे हों, चाहे ज़मीन लेने जा रहे हों, जी ज्वेलरी खरीदने जा रहे हों, या फिर कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हों, लड़के या लड़की की शादी करने जा रहे हों, बेबी नहीं हो रहे हैं, मतलब बेबी होने वाला है, ख़राब हो जा रहे हैं, तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए कुछ भी आप काम करने जाते हैं और वो नहीं होती है, अधूरी रह जाती है, तो जिसका ऐसे मतलब काम में रुकावट आता है उन लोगों के लिए ये उपाय बताने जा रही हूँ। इसको करने के लिए आपको ले लेना है दही। दही एकदम शुद्ध होनी चाहिए और याद रहे गाइस, दही जो है ना वो गाय के दूध से जमाई हुई होनी चाहिए। भैंस के दूध की दही नहीं चढ़ती है देवता लोगों को, तो गाय के दूध से जो दही तैयार होती है उस दही का यूज़ करना है आपको। और दही चढ़ा रहे हो तो उस समय आपको बोलना है कि हे शिव जी, मैं जिस भी काम को करती हूँ वो कभी भी पूरा नहीं होता है, अड़चनें आ जाती हैं, पहले आपको प्रॉब्लम बता देनी है, उसके बाद बोलना है कि बस यही मनोकामना रखती हूँ, यही कामना करती हूँ या करता हूँ कि मेरे काम में अड़चनें आना बंद हो जाए और सारा काम बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो बस यही बोल के आपको चढ़ा देना है और इस सामान आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने से कोई रोक नहीं सकता यार, मतलब आप दुनिया की महाशक्ति के पास जाके अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और उनको चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं पांचवें उपाय के बारे में और सबसे लास्ट उपाय के बारे में। तो ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने दिल में मनोकामना के इच्छा रखते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, वो मनोकामना पूरी हो जाए, मतलब जिसको लगता है कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, बहुत दिन से कुछ मनोकामना थी आपके अंदर। और ये सबके लिए है, ये जनरल है, सबके लिए है और बहुत ही मैजिकल काम करता है। इसको हर कोई कर सकता है लेकिन सावन में करना है। अब इसको करने के लिए आपको जल लेना है और जल में डाल लेना है काला वाला तिल। याद रहे वाइट वाला नहीं लेना है, वाइट वाला अवॉइड करना है। ये नहीं कि मैंने तिल बोल दिया आप कुछ भी लेके डाल देंगे, वाइट वाला डाल देंगे, तो ऐसे नहीं करना है, आपको ब्लैक वाला तिल ही यूज़ करना है। तिल को डाल के आपको ले जाके शिवलिंग पे अर्पित करना है और आपकी दिल में जो भी मनोकामना है, छोटी है बड़ी है, कैसी भी इच्छा है ना, आपको शिव जी से मांग लेना है, दिल खोल के मांगना है यार, पिता हैं हमारे, तो दिल खोल के मांगिए जो भी मांगना चाहते हैं और ये जल चढ़ा दीजिए शिवलिंग पे। देखिए कैसे चुटकी में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। सो गाइस, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक देख के ना मैं भी मोटिवेट होती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल टेक्निक या स्पेल्स रिचुअल के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।